जनपद के प्राथमिक विद्यालयों को और बेहतर बनाए जाने तथा छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सहित जिले के सभी ग्राम प्रधान और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान शिक्षकों ने अपने विद्यालयों की व्यवस्था तथा ग्राम प्रधानों ने प्राथमिक विद्यालयों के संचालन में आ रही दिक्कतों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। वहीं जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने ग्राम प्रधान और शिक्षकों की समस्याओं को सुनकर जल्द ही निस्तारण का आश्वासन दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय के शौचालय, हैंडवाश, हैंडपंप, स्कूलों की मरम्मत, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था, बिजली व फर्नीचर की व्यवस्था, संबंधित व्यवस्था को सुधारने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लेकिन
मैं अपने ऊपर के सम्मानित अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी जी के प्रेरणा से, अपने विशेष साहब की प्रेरणा से मैं दो कमरे से शुरू किया। आप लोगों के बीच मेरी उपलब्धि है। आज मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि मेरे खोराबा ब्लॉक में कोई डिग्री कॉलेज वैसा नहीं होगा। 20 मई से लगातार मैं 8 बजे जाता हूं और 6 बजे अपने विद्यालय से आता हूं और उन्हीं मजदूर और मिस्त्री के साथ पूरे दिन मैं खड़ा रहता हूं। और जिसकी स्थिति यह है कि माननीय सीडीओ साहब, एक पेड़ मेरा 1.25 लाख का पड़ा है और इस पूरे खर्चे का अधिभार मेरे आदर्श पिता श्री एम सिंह के द्वारा हुआ है, जो 5.5 लाख रुपया देकर और आज हमसे पूछे हैं कि अभी पैसे की जरूरत है। हमने कहा पिताजी 50,000 रुपए की जरूरत और है, तो उन्होंने दिया। और मैं सिर्फ अपने बच्चों को इसलिए लेकर आया हूँ, बीएससी साहब का हमने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था कि धूप ज्यादा होने के कारण बच्चे नहीं आएंगे, नहीं तो मेरे विद्यालय के 550 बच्चे यहाँ आते और पूरी तैयारी थी। लेकिन हमने स्वयं बीएससी साहब से अनुरोध किया है, माननीय सीडीओ साहब से अनुरोध किया है कि सर मेरे बच्चे एकदम तैयार है और आगे कर चलेंगे, तब बीएससी साहब ने कहा है कुछ बच्चों को लेके आओ। माँ बाप कौन होते हैं, गुरु जी कौन होता है, क्या चलता है, कौन सी प्रदेश
में, देश में, मुल्क में कौन सी भाषा है, कौन सी रंग है, कौन सी जात का है, कौन सी बिरादरी का, सारे चीज स्कूल में सीखना। स्कूल इसलिए तो शिक्षा मंदिर कहते हैं, जो असली ज्ञान जो उनका प्राप्त होता है पूरा जिंदगी उनके साथ रहता है। जो मान लीजिए किसी आदमी का जो भी संपत्ति चोरी हो सकता है, एक ही चीज चोरी हो नहीं सकता है, वो तो अपने का अंदर के ज्ञान, और उसको कोई कीमत भी नहीं। जितने आदमी ज्ञानवान होता है उतने समझदार रहता है, उतने आगे बढ़ता है जिंदगी। हम लोग हर जगह प्रयास भी करते हैं, शासन को भी मंशा यही है, ताकि आप जानते हैं यार टीचर लोग जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो भी आते हैं टीचर, सबसे अच्छे टीचर यहाँ सुनकर के आते हैं। परीक्षा इतने कठिन होता आप देख रहे हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग परीक्षा देते हैं, इस पे कुछ लोगों का चयन होता है सरकारी टीचर के रूप से। उसके बाद आते हैं, आते हुए वक्त बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हुनियार होते हैं, अभी भी है, बट उन लोग का अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है कहीं ना कहीं किसी रूप से, एक दूसरे के देख के बिगाड़ देता है। एक आदमी तो मान लीजिए स्कूल में एक कमजोर नहीं करता, उनका देख के और लोग भी कमजोर हो जाते हैं, ये एकदम बीमारी नहीं हो जाता है। तो आप ऐसे तुलना करते हैं कि सब प्राइवेट विद्यालय वाले मुश्किल से 1000-2000 रुपये महीने में टीचर का देता है, वो पूरा सुबह से शाम तक बैठ के मेहनत करके पढ़ाता है बेचारा बच्चे का, उनका तो तुलना तो हमारा टीचर देखेंगे, सारे टीचर 30,000 से शुरुआत कर तनख्वाह पाते हैं, उसके बाद कहेंगे टीचर के लाख में भी हो जाता है, वो दुनिया भी ऐसे नहीं है। तो वातावरण अच्छा देंगे वो बच्चे के भी तो अंदर का जो टैलेंट है वो निकल करके बाहर ले जाता है। मैं इसलिए आप लोग को बुला रखा है, देखिए ये मौका हम लोग का गोरखपुर जनपद में मिला है, मुश्किल से किसी जनपद में मिल रहा हो, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश चाहिए, जो कितने विधायक सांसद अपने खुद का निधि सब विद्यालय में साफ प्रयास में लगाने के लिए इस साल हम लोग इस तरह से संकल्प लिए, उसमें प्राइवेट संस्था से भी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ 2-3 संस्था 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के सरकारी विद्यालय में निवेश करने के लिए तैयार है, उन लोग से भी हम लोग आपको सुविधा प्रोवाइड करेंगे। अभी जो मिड डे मील के लिए अक्षय पात्रा से हमारा अग्रीमेंट अभी तो अभी मंगलवार में होने वाली है, आपके जो बना बना वो पका हुआ भोजन बहुत बढ़िया भोजन आपको स्कूल में आकर के डिलीवरी कर देंगे, और उसका पढ़ाई का गुणवत्ता क्वालिटी के कैसे सुधारा, ये दोनों में हम लोग एक संकल्प के रूप से लेना पड़ता है, ताकि एक तरफ मंदिर कहेंगे तो फिर मंदिर का पुनीत करना पड़ेगा, मंदिर जैसे ही उसके प्रांगण को आपको कायाकल्प कराना होता है, यानी मंदिर में जो भी जाते हैं पहले तो हम लोग का नजर में आता है वो साफ सफाई टॉप प्रायोरिटी में होता है। आपसे निवेदन करता हूँ जो भी आपको शौचालय है वीडियो साहब साहब बताए कि वो चिल्ड्रन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ज्यादातर उस पर प्रयास करिए, मूत्रालय जो यूरिनल्स होता है उस पर फोकस करिए। एक स्वाभाविक चीज होता है मान लीजिए तो आदमी तो मतलब 30-32 बार मतलब एक बार 2 बार जाता है, बट पेशाब तो 4-5 बार जाता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं ज्यादा ज्यादा तो टॉयलेट बना देते हैं, टॉयलेट मेंटेन करना भी मुश्किल है, यूरिनल मेंटेन करना बहुत आसान, इसलिए छोटे छोटे बच्चे का जो यदि पुरुष होता है लड़के होते हैं उनका अलग यूरिनल बना दीजिए, लड़के होते हैं उसका भी अलग साइंस बना करके यूरिनल आता है, ज्यादा संख्या में यूरिनल बना दीजिए, 1-2 टॉयलेट बना दीजिए, उसका फोकस यूरिनल्स में नहीं है, और पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। ताकि आप भी तो ये तो मैं तब बचपन था तो मैं मेरा टीचर मुझे सिखाया, मैंने पूछा तो कभी मजाक में पूछा था सर क्यों बदू मार रही है बाथरूम, टीचर ने वो बताया था, पर वो उस समय में जवाब नहीं, अगले दिन तो सीख के तो आए थे, तो बताया बेटा ये देखो पेशाब में अमोनिया निकलता है, अमोनिया में तो फिर बैक्टीरियल रिएक्शन के बाद जो यूरिया है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया बदबूदार होता है, इसलिए जो मान लो पेशाब होने के बाद तुरंत पानी डाल दोगे वो यूरिन मतलब यूरिया तो निपट जाता है बदबू नहीं मारता है, इसलिए तब भी तुम पेशाब करते हो तो जरूर पानी डालते, ये हमारे दिमाग में अभी भी इतने चीज आपको बच्चों के लिए बताना है, भाई तुम तो शौचालय प्रयोग करते पानी डालना इसलिए जरूरी है, पानी नहीं डालोगे तो फिर यूरिया वैसे रह जाता है, ये बैक्टीरियल रिएक्शन में तो फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर बदबू तो हो जाता है, फिर बदबू मारेगा, फिर बदबू मारता है तो कोई नहीं जाता, फिर तो टॉयलेट जीवन घुस जाता है। इतनी चीज सारे चीज के पीछे आप मेरे ढंग से समझाएंगे ना जरूर बच्चे मान लेते हैं, उसका अकल हम लोग को होना चाहिए था, हम लोग भी सीखना चाहिए था, बच्चे के साथ साथ हम लोग को भी सीखना पड़ेगा, पूरे जिंदगी सीखना पड़ेगा सब स्टूडेंट।